हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज फिर से एक और नए डिजाइन का डोरमेट बनाना सीखेंगे, जिसके लिए मैंने तीन कलर ले लिए हैं। तीन कलर से हम बनाना शुरू करेंगे इसको। तो आप इसे पुरानी चुन्नी और साड़ी में भी बना सकते हैं और किसी भी तरह से इसको यूज कर सकते हैं। तो फ्लावर वाला हम आपको ये पायदान बता रहे हैं, जिसे आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। तो आइए, इसके लिए मैंने तीनों कलर की वूल को फोल्ड किया है और मैंने यहाँ पे 8 नंबर मोटी वाली सिलाई ली हुई है। तो मैं आपको ये शुरू से ही बनाना बताऊंगी और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बनाना बताऊंगी। प्लीज़ अच्छे से वीडियो को पूरा देखें, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले हम अपना यहाँ पे तीनों कलर की ऊल को फोल्ड कर लिया है। आप इसे पुरानी चुन्नी और साड़ी में भी बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं अपना फंदा डालूंगी। तो देखिए, सिंपल तरीके से ही हम फंदे डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से 1, 2, 3, 4 हमेशा सभी में मैं इसी तरह से फंदा डालती हूँ। बिल्कुल आसान है ये। ये देखिए, अंगूठे पे लपेटेंगे और इस धागे को ऐसे घुमाएंगे। तो इस तरह से हम फंदे डाल के कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, मैंने इसमें 28 फंदे ले लिए हैं। आपको जितना बड़ा चाहिए आप अपने हिसाब से फंदे इसमें ले सकते हैं। और ये 4 के मल्टीपल से ही आपने फंदे लेने हैं, जैसे कि 4-4 के हिसाब से फंदे लेने हैं। तो आइए हम यहाँ पे, ये देखिए, आपको फर्स्ट रो से ही मैं बनाना बताऊंगी और बिल्कुल ही सिंपल तरीके से इसमें हम छोटे छोटे फ्लावर डालेंगे। तो आइए, तो देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16 16 फंदे बना लिए। अब यहाँ पे ये देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12 फंदे इधर हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, फ्लावर के लिए हम अपना रेड कलर लगाएंगे। तो यहाँ से ये देखिए, 1 और ये 2 दो फंदे मैंने अपना रेड कलर से बनाए। आगे के फंदे हम इसी कलर से बना लेंगे। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और दो फंदे लास्ट के छोड़ देंगे। तो दो फंदे मैंने लास्ट के छोड़ दिए हैं और यहीं से सिलाई को पलट जाएंगे। तो पलटने के बाद हम यहाँ पे जो जैसा फंदा है वैसे ही इनको बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, दो फंदे रेड से बनाएंगे और आगे के फंदे क्रीम कलर से ही बना लेंगे। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ये नहीं है कि इसी कलर के बोल लें आप। जो भी आपको पसंद है उसमें आप इस तरह का डोरमेट बना सकती हैं। तो देखिए, मैं यहाँ से लास्ट वाले फंदे को सीधा कर लेंगे। ये देखिए ऐसे। तो आप इसे 32 फंदे का भी बना सकती हैं और 30 फंदों में भी। अब ये देखिए, यहाँ पे 2, ये देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 फंदे मैंने अपने सारे बना लिए। अब यहाँ से हम, अब ये देखिए, दो फंदे रेड के बनाएंगे फिर से। ये देखिए, दो फंदे फिर से। अब यहाँ से हम अपना कली के लिए, ये देखिए, ग्रीन कलर को ऐड करेंगे। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे हमने बना लिए। लास्ट के दो फंदे फिर से छोड़ दिए हैं और यहीं से सिलाई को पलट जाएंगे। पलटने के बाद हम यहाँ पे
स्टैनी को ऐसे ही ग्रीन से ही बनाएंगे, जो जैसा फंदा है वैसे ही बनाते हुए इनको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए पीछे धागा किया सॉरी, और रेड को आगे लाए, तो यहाँ पे एक फ्लावर बनके ये कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए आगे के फंदे इसी कलर से हम बनाते हुए कंप्लीट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम सीधी सिलाई बना चुके हैं। अब ये देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और ये ग्यारह और ये बारह, तो यहाँ पे ये देखिए चार चार फंदे प्लस करते जाएंगे। तो यहाँ पे हम दो फंदा अपना ये देखिए फ्लावर वाले रेड से बनाएंगे, एक दो, और आगे के सभी फंदे हम ये देखिए एक दो तीन, जो ये आगे वाले रेड वाले फंदे ये भी हम क्रीम से कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे फ्लावर हमारा हो चुका है। तो ये रेड वाले फंदे भी मैं इसी कलर से बना लूँगी, चार पाँच, ग्रीन वाले भी छः सात आठ, और दो फंदे लास्ट के यहाँ पे ग्रीन कलर के फिर से छोड़ देंगे। अब सीधी सिलाई में तो जो जैसा फंदा है वैसे ही इनको बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने सीधी सिलाई बना ली है। अब इस बार हम अपना ये देखिए ये 12 फंदे तो इसी कलर से बनाएंगे। दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ये ग्यारह और ये बारह। अभी इस बार में दो फंदे ये फ्लावर वाले इसी कलर से बनाएंगे, एक दो, और आगे के फंदे हम इस ग्रीन से करेंगे छह फंदा। ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, और लास्ट के मैंने दो फंदे फिर से छोड़ दिए। यहीं से सिलाई को पलट जाएंगे और पलटने के बाद हम देखिए सीधी सिलाई में जो जैसा फंदा है वैसे ही इनको बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। कुछ नहीं करना है आपने, यहाँ पे इस फंदे को भी हम बना लेंगे ताकि अच्छे से यहाँ पे बुनाई आ सके। तो देखिए इस तरीके से। प्लीज़ आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए इस तरह से धागे को क्रॉस कर रहे हैं, ये देखिए पीछे करेंगे और अब इस वाले धागे को आगे लाएंगे। अब चार फंदे फिर से इसमें हम अपना इस बार फिर से प्लस करेंगे। ये देखिए ये देखिए बहुत सिंपल सा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है, और आप इसे पूजा पाठ के लिए किसी भी यूज करने के लिए पूजा पाठ में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर लगता है, जैसे कि आप मंदिर में अपना लगाएं इसको। अब ये देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, अब चार फंदे इसमें फिर से प्लस कर रहे हैं। ये देखिए एक दो, और आगे के सभी फंदे अपना यहाँ पे क्रीम से बनाएंगे जो आगे। तो देखिए सभी फंदों को इसी से बना ले हैं और दो फंदे लास्ट के यहाँ पे फिर से छोड़ देते हैं। यहीं से सिलाई को पलट जाएंगे। आपने जो बड़ा इससे बनाना है तो आपने चार के मल्टीपल से ही फंदे को यहाँ पे डालना है। तो आइए सीधी सिलाई को बना लेते हैं। फ्रेंड्स, हम फिर से आगे उल्टी सिलाई पे। तो इस बार हम आठ फंदे क्रीम से बनाएंगे, चार चार फंदे हम प्लस करते जा रहे हैं इसमें। ये देखिए, और ये रेड वाले दो सिलाइयों का हमारा ये फ्लावर बनना है। ये देखिए अब यहाँ से हम अपना इसमें ग्रीन कलर को ऐड करेंगे। ये देखिए ऐसे
एक दो तीन चार पाँच छः। अब सीधी सिलाई को जो जैसा फंदा है वैसे ही बनाते हुए कंप्लीट करेंगे, ग्रीन वाले ग्रीन से और रेड वाले रेड से और आठ फंदे ये क्रीम से। सीधी सिलाई में जो जैसा है वैसे ही बनाने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम फिर से अपने चार फंदे, ये देखिए अब यहाँ पे चार ही बनाएंगे, एक दो तीन चार। अब यहाँ पे चार दो फंदे अपना रेड करेंगे, एक दो, और आगे के फंदे हम सभी को यहाँ पे जो हमने ये डिजाइन डाला है तो ये दो फंदे ग्रीन के छोड़ते हुए बाकी के सभी फंदे आठ हम इस अपने क्रीम कलर से ही बनाएंगे, दो तीन चार पाँच छः सात और ये आठ। सीधी सिलाई को जो जैसा है वैसे ही बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे इतना बना ली हूँ। हम आपको यहाँ पे अभी चार फंदे बाकी हैं और पांचवा फ्लावर डाल के आपको बता रहे हैं। ये देखिए, जब हम पांचवा फ्लावर डालेंगे तो यहाँ पे ये दो फंदे रेड से ही कर लेंगे, ये देखिए एक और ये दो, और आगे के जो फंदे हैं हमारे सभी को क्रीम से बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात और ये आठ, और लास्ट के दो फंदे फिर से छोड़ दिए हैं। बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है ये, और बनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। सीधी सिलाई देखिए, हम जो जैसा फंदा है वैसे ही इनको बनाते हुए कंप्लीट करेंगे, ये देखिए ऐसे। तो यहाँ पे सीधी सिलाई में जो जैसे फंदे हैं वैसे ही ये देखिए धागे को क्रॉस करते हुए ये देखिए रेड वाले रेड से बनाएंगे इस तरह से, ये देखिए रेड वाले रेड से बना लिए, पीछे धागा करेंगे। अब यहाँ से हम रेड वाले फंदे रेड से बनाएंगे और आगे के फंदे छह फंदा हम ये देखिए एक दो और ये हम ग्रीन से बनाएंगे, ये देखिए एक दो तीन चार पाँच और ये छः। अब सीधी सिलाई को हम बना लेते हैं यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पांच फ्लावर बन चुके हैं, एक लास्ट का बन चुका है, और अभी यहाँ पे हमने आठ फंदे ये भी छोड़ने हैं। तो अब यहाँ से हम कोई फ्लावर नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे सारे फंदे हो चुके हैं। तो अब ये देखिए, इन फंदों को भी हमने छोड़ना है, ये देखिए किस तरह से। अब यहाँ से अपना क्रीम कलर लगाएंगे, ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, दो फंदा लास्ट का छोड़ दिया था, आठ फंदे थे जो नहीं छोड़े थे। अब कोई फ्लावर नहीं डालेंगे, यहाँ पे पांच फ्लावर हम डाल चुके हैं। अब ये देखिए, इनको हम सभी फंदों को इसी तरीके से छोड़ लेंगे। तो इसको बनाना बिल्कुल ईजी है, बहुत ही आसानी से ये बन के कम्प्लीट होता है, ये देखिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम चार फंदे ग्रीन से बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से धागे को करेंगे और ये ग्रीन से, एक दो तीन चार, लास्ट के दो फंदे फिर से छोड़े। अब ये देखिए, इन चार फंदों को यहाँ पे ग्रीन से बना लेते हैं, ये देखिए। अब ये देखिए, यहाँ पे दो फंदा हम क्रीम से बनाएंगे क्योंकि फ्लावर हमारे बन चुके हैं, ये देखिए ऐसे, और यहीं से ग्रीन के दो फंदे छोड़ दिए और यहाँ से। तो देखिए, यहाँ पे मैंने अपना 26 फंदा दो दो करके छोड़ दिया है, जिसमें से ये दो फंदे मैंने नहीं छोड़े हैं, बाकी के 26 फंदे मैंने छोड़ दिए हैं। और ये देखिए, यहाँ पे एक पत्ती मेरी अच्छे से, एक दो तीन चार पाँच फ्लावर, ये चार फंदे हमने इन धारियों को बनाते हुए बिना फ्लावर के छोड़ दिए हैं यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे हम 26 फंदा छोड़ चुके हैं दो दो करके। अब हम क्या करेंगे, पूरी सिलाई को यहाँ पे, ये देखिए जो सभी फंदे हम छोड़ चुके हैं, पूरी सिलाई को हम
ये ग्रीन कलर से ही बना लेंगे इस तरह से, ये देखिए। और इनको हम धागों को इस तरह से कर लेंगे, क्योंकि हम एक बार दबा लेते हैं, सारे फंदे हम ग्रीन से ही बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिए लास्ट तक सभी फंदों को, 28 फंदों को हमने सभी को बनाना है। अगर आप इससे भी बड़ा बना रहे हैं तो आपने 4 के मल्टीपल से ही फंदे लेने हैं। ये देखिए, तो इसको बनाना बहुत इजी है। ये देखिए सारे फंदे मैं यहाँ पे ले चुकी हूँ जो छोड़े थे, ये देखिए। इस तरीके से ये देखिए सारे फंदे हम बना चुके हैं, ये देखिए इस तरीके से बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। अब ये सीधी सिलाई भी मैं बना लेती हूँ और आपको फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पूरी सिलाई ग्रीन बना ली है, और ये देखिए यहाँ पे मुझे ये दो फंदे वाइट वाले ग्रीन से नहीं बनाने थे। और आप अगर चाहें तो बना भी सकते हैं, चाहे उन फंदों को जब हम क्रीम कलर की बनाएंगे सिलाई, तो तब उन दो फंदों को बनाना है। इस बार मैं बना चुकी हूँ, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये देखिए यहाँ पे ये, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम पूरी सिलाई को फिर से अपना ये देखिए क्रीम से बना लेंगे इस तरह से। उसके बाद हमारा फिर से यही डिज़ाइन रिपीट होगा। तो देखिए जब हम क्रीम कलर की सिलाई बना रहे हैं, तो जो लास्ट के दो फंदे रह जाएंगे हम उन्हें ग्रीन से नहीं बनाएंगे। जब हमने यहाँ पे ग्रीन से बनाई थी पूरी सिलाई, तो दो फंदे क्रीम कलर के यहीं पे छोड़ देने हैं। आपका ज़्यादा बड़ा हॉल नहीं होगा। इस बार मैंने बना लिए हैं, तो यहाँ पे सभी फंदों को, उन दो फंदों को क्रीम के साथ बना लें जो हम ग्रीन से नहीं बनाएंगे। वो दो फंदे आपने क्रीम से बना लेने हैं, और वापसी हमारा फिर से यही डिज़ाइन रिपीट होगा जैसे हमने आपको शुरू से बताया है। तो चलिए मैं पहले इस वाली सिलाई को ये देखिए बना लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे, ये देखिए हमने ये दो फंदे ग्रीन से नहीं बनाने थे, ये दो फंदे क्रीम से ही बनाते, तो इस बार हमने बना लिए हैं, तो इनसे ही हम पूरी सिलाई को बना लेते हैं। तो चलिए सीधी सिलाई को भी बना लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब फिर से हम दूसरी पत्ती रिपीट करने के लिए हम इधर 12 फंदे छोड़ेंगे, जिसमें से लास्ट के दो फंदे छोड़ देंगे, 8 फंदे बना लेंगे और दो फंदों में फ्लावर, बाकी के फंदे हम इसी कलर से बनाएंगे। जैसे मैंने आपको शुरू से बना करके बताया है, वैसे ही बाकी की पत्ती बनानी है। तो देखिए इस तरह से पहले फंदे को चाहे आप बना लें, चाहे आप इसको इस तरह से धागे को घुमा लें। तो देखिए यहाँ पे 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। अब यहाँ पे दो फंदा ये हम अपना रेड कलर से बनाएंगे। तो रेड कलर को आप साथ में भी ले जा सकते हैं। अगर साथ में नहीं ले जा रहे हैं, तो जब आप उल्टी सिलाई बनाते आओगे तो यहाँ पे इसको जगह जगह से इस तरह से बांध देंगे। तो देखिए दो फंदे इससे बनाए और आगे के फंदे हम ग्रीन से बनाएंगे, सॉरी इसी कलर से बनाएंगे। ये देखिए ऐसे, और लास्ट के दो फंदे छोड़ देंगे। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे भी हमने ऐसे ही बनाई है, ये देखिए लास्ट के दो फंदे छोड़ देंगे इस तरह से, पलट जाएंगे सीधी सिलाई में, जो जैसा फंदा है वैसे ही इनको बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो देखिए बहुत ही प्यारी सी, बहुत सिंपल सा है। दूसरी पत्ती भी आपने पूरा डोरमेट वैसे ही रिपीट करना है। अब यहाँ पे हम इस सिलाई को बना देंगे, फिर अपना यहाँ पे फिर वापसी आएंगे, यहाँ पे 16 फंदों को इसी कलर से बनाएंगे और यहाँ पे हम 6 फंदे ग्रीन से बनाएंगे, जिसमें हम दो फंदे छोड़ देंगे। ऐसे ही फिर हमने 4 फंदे प्लस करने हैं, जैसे हम यहाँ पे किए हैं वैसे ही। तो ऐसे ही इसको बनाते हुए रिपीट करना है हमने। तो चलिए सीधी सिलाई को बनाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा हमारा डिज़ाइन बन रहा है, ये देखिए आप देख सकते हैं।
अब यहाँ पे हम दो रेड के बनाएंगे, बाकी के ये 16 फंदे इसी कलर से बनाएंगे इस वाली सिलाई में, जैसे यहाँ पे हमने बनाए हैं ये देखिए। और 6 फंदा हमने फिर अपना ये अपना ग्रीन से बनाया है। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सुंदर लग रहा है, और इस तरह से आपका कुछ लुक आएगा। आपने इसी तरीके से पूरा डोरमेट कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए हम 1, 2, 3, 4, 5 पत्तियाँ बना चुके हैं, और हमने अलग से आपको ये वाली पत्ती बताई है। तो देखिए इसको बनाना बिल्कुल ईजी है, और बहुत ही आसानी से आप इसे यहाँ पे बना सकते हैं। तो देखिए काफ़ी सुंदर लग रहा है, ये भी फिनिशिंग के साथ हमारा बन रहा है। यहाँ पे ये देखिए, देख सकते हैं आप, ये देखिए। तो देखिए बहुत ही प्यारा सा, और ये जो मैंने बनाया ये मैंने 32 फंदे से बनाया है, 32 फंदे से बनाया है, और ये 28 फंदे से आपको पत्ती बताई है, ये देखिए। तो यहाँ पे ये देखिए ग्रीन की 2-2 सिलाइयाँ बनी हुई हैं, जिसमें हमने एक ही सिलाई बनाई है इस तरह से। 32 फंदे में भी आप इसको आराम से बना सकते हैं। देखिए काफ़ी सुंदर लग रहा है। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं प्यारा सा हमारा ये फ्लावर वाला डोरमेट आपको कैसा लगा। तो आप इसे पूजा आसन की तरह भी यूज कर सकते हैं, काफ़ी सुंदर लगता है मंदिर में भी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।